तो भैया देखो, मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मनी ट्रांसफर मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। हां, आप 2 कह रहे हो, शायद 3 भी नहीं है, 2 है। तो अच्छा, मैं सवाल पूछता हूं, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400। आज क्या रेट है? नहीं 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 भैया, ऐसे भी नहीं होता, तीसरे हाथ की जरूरत है। आइए इधर आइए, ऐसे मतलब 3 हाथ की जरूरत है, पहले 1 हाथ का दिख जाता था। अच्छा ठीक है, पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50। आज क्या है? 107। तो भाइयों और बहनों, एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता? गायब तो नहीं होता ना, कभी नहीं हुआ, पैसा ट्रांसफर ही होता है। आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं, और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है, और फिर वही पैसा जो आपकी जेब में से आपकी जेब में जाता है, बीजेपी में जाता है, फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है।